गुजरात चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने का सपना देखने वाले और कांग्रेस का विकल्प बनने को बेताब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका लगा है। गुजरात में 100 से ज्यादा नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया है, जिससे जाहिर हो रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान का गुजरात जाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। तो क्या भूल हुई है अरविंद केजरीवाल से और क्या राष्ट्रीय राजनीति का सपना देख रहे अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक ही सिमट जाएंगे, क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के हौसले काफी बुलंद हैं। अरविंद केजरीवाल की नजर अब गुजरात पर है, जहां शनिवार को अहमदाबाद में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान ने रोड शो किया, साथ ही गांधी आश्रम जाकर चरखा भी चलाया। लेकिन इस दौरान उनकी मौजूदगी में ही पार्टी के अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, जिसकी भनक तक आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नहीं हुई। दो दिन गुजरात में गुजारने के बाद जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली लौटे, वैसे ही गुजरात में आपके कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि करीब 150 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अकेले आप ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के भी कई सदस्यों ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आप नेताओं ने दल तब बदला जब एक दिन पहले ही राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवत मान के साथ दो दिनों के गुजरात दौरे से लौटे हैं। गुजरात में जिस तरह से आप पे इतनी बड़ी संख्या में नेताओं ने केजरीवाल को छोड़कर पाला बदला है, उसके बाद गुजरात के बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने तंज कसा है। दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम घर नहीं पहुंचे या खाना भी नहीं खाया और उनके पार्टी के कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। ये साफ दिखाता है कि वे गुजरात के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। गुजरात के लिए उनके दौरे का कोई मतलब नहीं है। गुजरात के लोगों का आशीर्वाद बीजेपी के पास है। पंजाब में आप सरकार के महज 5 दिनों में ही किसानों पर लाठीचार्ज हो गया, तो आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट के बाद 150 नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी ने स्वागत किया और इशारों ही इशारों में बीजेपी नेताओं ने ये साफ कर दिया कि गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए अभी अरविंद केजरीवाल को काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको बता दें कि इसी साल दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां केजरीवाल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए अपने घर को और मजबूत करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।